हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सभी को नमस्कार, राम राम और बहुत सारा प्यार। मैं प्रिया चौधरी आपका स्वागत करती हूँ साइंस बाय प्रिया मैम पे। स्टूडेंट्स कैसे हो आप सब, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है सबसे पहले बात तो ये बताइए, और क्या स्क्रीन पे जब सब चीजें जो है वो बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। इसके बाद हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आप लोगों को जो आवाज है वो सही आ रही है। लाइट लाइट की सेटिंग कर रही थी, थोड़ा सा 5 मिनट इसलिए लेट हो गया, इतना तो चलता है मेरे बच्चे। चलिए बच्चों जल्दी से आइए। जल्दी से फटाफट से, इंतजार बहुत कर। सभी को नमस्कार, राम राम। तो कैसे हो आप लोग। सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास की। तो बच्चों, जिन बच्चों को साइंस बिल्कुल भी नहीं आता, बिल्कुल भी साइंस नहीं आता, वो सारे के सारे बच्चे जो है वो बैच 9 में एनरोल हो सकते हैं। यानी बैच 9 के अंदर सारे के सारे बच्चे जो है ना वो बैच 9 में एनरोल हो सकते हैं, बैच 9 के अंदर आ सकते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बेटा कि हमारा जो बैच है वो मिलता कहाँ पे है, तो हमारी एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन, जो देखने में कुछ ऐसी है जिसमें बच्चों पेड क्लास तो यहाँ दिखाई देती है, फ्री क्लास यहाँ दिखाई देती है, और अगर किसी को साइंस के नोट्स चाहिए बिल्कुल फ्री, तो वो फ्री नोट्स के अंदर साइंस के जो नोट्स है वो आप लोगों को उपलब्ध यानी अवेलेबल हो जाएंगे। और इसी के साथ में ये वाली जो बुक है वो बहुत जल्दी मार्केट में आप लोगों के सामने आएगी, तो हम आपको बता देंगे। थोड़ा सा कवर पेज शायद हो सकता है चेंज हो जाए, ठीक है। तो हमारी एप्लीकेशन का नाम है बेटा साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन, इसी नाम से टेलीग्राम, ठीक है। पटक पटक के प्रणाम, प्रणाम भाई सभी को प्रणाम। चलिए तथास्तु मेरे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले सेशन की शुरुआत करने से पहले 50 लाइक को एक बार 50 लाइक ठोक दो यार, ये गलत है, ठीक है। एक बार 50 लाइक ठोक दो। आपकी प्रिया मैम दोबारा आपके सामने जो है लगातार क्लासेस देने की कोशिश कर रही है, तो इसमें ना आपको मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। और सपोर्ट कैसे करना होगा, थोड़ा सा ना, घर में जितने भी मोबाइल है ना वो चला चला के छोड़ने होंगे अब आपको कुछ टाइम के लिए। फिर धीरे धीरे जो क्लासेस है ना वो वैसे ही चलने लग जाएगी जैसे 10,000 लाइव लर्नर, 10,000 5,000 3,000 बच्चे जो है हमारे वो लाइव चलते थे, वो बहुत जल्दी चलने लग जाएंगे। और आप लोगों के लिए ना एक प्रॉमिस मैं करती हूँ बेटा, कितने बच्चे ऐसे जिनको स्टैटिक जीके नहीं आती है, स्टैटिक जीके बिल्कुल भी नहीं आती है, मैं आपको एक प्रॉमिस कर रही हूँ। एक तो आपका स्टैटिक जीके, ठीक है, एक आपका जीके और एक आपकी साइंस की थ्योरी, ये क्लासेस मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, ये क्लासेस मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे लेके आ रही हूँ। अब यहाँ पे एक चीज हो सकती है मेरे बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा फेरबदल ये हो सकता है कि ये दोनों क्लासेस में एक साथ लेके आ जाऊं, यानी जीके प्लस स्टैटिक जीके ये क्लास में एक साथ लेके आ जाऊं आप लोगों की, ये दोनों क्लास, ठीक है। इनके टाइमिंग जो है वो आप लोगों को कल बता दिए जाएंगे, कल आपको इन दोनों क्लास के जो है वो कल टाइमिंग बता दिए जाएंगे। आपकी ये वाली क्लास तो बेटा रहेगी, आपको इन दोनों क्लासेस के टाइमिंग जरूर बता दिए जाएंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये परेशानी आ रही है कि मैम जैसे साइंस आप बहुत ज्यादा इजी पढ़ा देते हो, तो क्या आप जीके जीएस को भी थोड़ा इजी कर सकते हो, तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि मैं तो पेड क्लास में पढ़ाती हूँ, फ्री क्लास में तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है, तो इसको मैं करने वाली हूँ। इसके लिए तुम तैयार रहना, इसकी टाइमिंग मैं कल की क्लास में आप लोगों को सभी को टाइमिंग अनाउंस करने वाली हूँ, सभी को कल की क्लास में टाइमिंग अनाउंस करने वाली हूँ। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, विच इज द प्रोटोजोआ दैट कॉज मलेरिया। भाई ऐसा कौन सा बुखार है जिससे मलेरिया होता है। अब मलेरिया किस बुखार से होता है बताइए, किसी बुखार की हम लोग बात करें, किसी किसकी बात करें, बुखार की बात करें, तो बुखार कौन से होते हैं, फीवर कौन से होते हैं। फीवर बेटा एक तो फीवर मलेरिया से आता है, ठीक है, एक आता है आपका डेंगू से, ठीक है, एक आता है टाइफाइड से, ठीक है। ये फीवर वाली बीमारियां है आप लोगों की, एक है चिकन गुनिया, तो ये सारी की सारी बीमारी जो है वो फीवर वाली है जिससे मलेरिया होता है, ठीक है। मलेरिया जिससे होता है बेटा वो बीमारी है आपकी प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम से क्या होता है बेटा, प्लाज्मोडियम से ही आपका मलेरिया होता है। मलेरिया जो होता है बेटा वो एक्चुअल में प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है, शायद कल भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आया था। और किस प्रोटोजोआ से होती है बेटा, जो आपकी मॉस्किटो होती है, मॉस्किटो, ठीक है, जो आपकी मच्छर होती है, मच्छर कौन सी बेटा, आपकी मच्छर होती है एनोफिलस, एनोफिलस मच्छर जो होती है वो एक
वो जिस प्रोटोजोआ को लेके जाती है उस प्रोटोजोआ का नाम होता है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को लेके जाती है। ठीक है, डेंगू जो होता है बेटा वो किससे होता है मेरे बच्चे, डेंगू। इसी के साथ भाई सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक कीजिए, कम से कम क्लास के अंदर 50 लाइक होने चाहिए कम से कम। ठीक है, वो किससे होता है बेटा, ये होता है वायरस से, ये होता है विषाणु से। किससे होता है बेटा, विषाणु से होता है, वायरस से होता है। अब टाइफाइड भी एक बुखार है, लेकिन टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरिया से होता है बेटा। टाइफाइड किससे होता है, एक बैक्टीरिया से होता है, एक जीवाणु से होता है, और इस जीवाणु का नाम है सेल्मोनीला, सेल्मोनीला टाइफ, सेल्मोनीला टाइफ। ठीक है बेटा, समझ में आई, बोलो बोलो। हाँ, सुबह का टाइम रखेंगे, रात का नहीं रखेंगे, रात को एक क्लास ऑलरेडी हमारी चल रही है बेटा। ठीक है, मैम की फ्री क्लासेस, पेड क्लासेस के बारे में, और देश सैफ अली खान, और ऑब्वियस सी बात है रेलवे की जैसे लहर आएगी और एसएससी का जैसे मेंस आएगा, सभी बच्चों को पता है साइंस कहाँ समझ में आने वाली है। और कुछ दिनों बाद बच्चों को ये भी समझ में आ जाएगा कि जीएस किससे पढ़नी है। ठीक है, चिकनगुनिया बेटा, चिकनगुनिया किससे होता है, अगर आपसे बोला जाए चिकनगुनिया किससे होता है, तो चिकनगुनिया भी मॉस्किटो से होता है। ठीक है, मॉस्किटो से होता है, और कौन सी मॉस्किटो से होता है, वैसे चिकनगुनिया भी वायरस से होने वाला है, वायरस से होता है बेटा, विषाणु से होता है। ठीक है, कौन सी मॉस्किटो से होता है, एनोफिल, सॉरी एडी, एडी इजिप्टी, एडी इजिप्टी। ठीक है, ये किस मॉस्किटो से होता है, ये किस मच्छर से होता है, ये मच्छर से होता है एडी इजिप्टी, एडी इजिप्टी। ठीक है बेटा, और इसको डेंगू को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेंगू को हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर। फिलहाल जो जो टाइम चल रहा है ना वो इन्हीं मच्छरों की बीमारी वाला चल रहा है, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, ब्रेक बोन फीवर। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई, बोलिए आगे ना, बहुत बढ़िया बेटा। आप लोगों को बात समझ में आ रही है क्या, मैं एक ग्लास पानी पी सकती हूँ तो प्लीज मुझे विराम दीजिए मात्र एक सेकंड का, क्योंकि कोई भी नहीं। पानी के पास, तो आपने कहावत सुनी होगी कि प्यासे को हमेशा कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं चल के खुद प्यासे के पास नहीं आता, वो तो फिर कोई ऐसा कारनामा करो ना कि कुआं जो है खुद चल के प्यासे के पास में आए। वायरलेस माइक का फायदा ये है कि जहां हम पानी लेने जा रहे थे, ठीक है, वहां पे भी आवाज जो है आप तक आ रही थी। ठीक है, आज पता नहीं गला सूख रहा है, कोई बच्चा अपनी मम्मी से ये पूछ के बता सकता है कि अगर किसी इंसान का गला बहुत ज्यादा सूख रहा हो तो उसको ऐसा क्या खाना चाहिए, क्योंकि मेरा बोलने का काम बहुत ज्यादा है, तो क्या अपनी मम्मी से पूछ के बता सकते हो, प्लीज हमारी माता से पूछ के बता सकते हो, आपकी माता बेटा हमारी माता, वो अलग बात है, मैं भी तुम्हारी माँ हूं लेकिन वो हमारी भी माँ है। चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हुक प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हुक प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, हुक का सिद्धांत निम्नलिखित से किससे संबंधित है बेटा, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, फ्लूइड के प्रेशर से, इलास्टिसिटी से, रेडियो एक्टिविटी से, या इनमें से कोई नहीं। तो हुक का संबंध किससे है, फटाफट से कमेंट करके बताओ बेटा, हुक का संबंध किससे है, जल्द से बताइएगा बेटा, अदरक बहुत ज्यादा पिएंगे ना जलन हो जाएगी, एसिडिटी हो जाएगी, मम्मी से पूछ के बताओ सारे के सारे। लेकिन इसी के साथ मैंने बोला था कि 50 लाइक हो जाने चाहिए, तो भाई लिख के बताना पड़ता है ना, 50 लाइक, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर दो भाई, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो भाई, सब्सक्राइब नहीं करते तुम लोग बच्चे। इसका जो राइट आंसर है वो इलास्टिसिटी है, क्या है, इलास्टिसिटी है। अगर आप लोगों से पूछे दर्द के दबाव या फ्लूइड के प्रेशर से कौन रिलेटेड होता है, तो बच्चों कौन रिलेटेड होगा, फ्लूइड के प्रेशर से। फ्लूइड के प्रेशर के बारे में किसने बताया था बेटा, पास्कल ने बताया, पास्कल किसने बताया था, पास्कल ने बताया। रेडियो एक्टिविटी से अगर आपसे रिलेटेड पूछे तो कौन है बच्चों, बैकरल। ठीक है, इनका नाम है बेटा हेनरी बैकरल, हेनरी बैकलर जो थे उन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। ठीक है, इन्होंने ही रेडियो एक्टिविटी की क्या थी बेटा, डिस्कवरी की थी, खोज की थी रेडियो एक्टिविटी की।
बेटा क्यूरी जो है ना, मैडम क्यूरी जो है और आपके जो रदरफोर्ड है वो तो यूनिट है बेटा, ठीक है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? रेडियम की थी, ठीक है। अब बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो इलास्टिसिटी है, ठीक है, प्रत्यास्था इसका राइट आंसर। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं भाई जो किसी को भी नहीं पता होगी, मेरी शर्त है। शर्त लगाओगे मेरे साथ आज? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ, शर्त लगाओ। तुम्हें वो बात बिल्कुल नहीं पता होगी। कितने बच्चे ऐसे जो मेरे साथ आज शर्त लगाने के लिए तैयार है, ठीक है। शर्त ये है, शर्त ये है, अब तुम झूठ नहीं बोलोगे तो मैं मागी कसम, क्योंकि बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। शर्त ये है, अगर तुम्हें नहीं पता होगा तो तुम्हें कम से कम आज 100 लाइक करने होंगे, चाहे वो दूसरे मोबाइल से करो कैसे भी करो, तुम्हें कम से कम आज 100 लाइक करने पड़े होंगे। शर्त है अगर आज तुम्हें ये बात पता नहीं होगी। बताओ कितने बच्चे शर्त लगा रहे हैं? वीर आरएएस की अभी पेड क्लास नहीं आई है, लेकिन आरएएस का साइंस आप पढ़ सकते हो। नमक नमक के पानी से गरारे, गला सूख रहा है, पता नहीं, नहीं दर्द नहीं कर रहा है, सूख रहा है मुंह पक्का। कितने बच्चे मेरे साथ शर्त लगाने वाले? मनु ज्यादा पानी पियो, ज्यादा पानी यार, मतलब एक टाइम होता है ना बच्चे जब ज्यादा पानी पीते ऐसा लगता है पेट फट रहा है। हाँ आरएस की नहीं मिलेगी बेटा, पूरे साइंस की मिल सकती है। पक्का शर्त लगा रहे हो? फिर शर्त के हिसाब से 100 लाइक करने पड़ेंगे जितने बच्चे यहाँ पे हैं उन सभी को मिला के, ठीक है। मेरी कसम है तुम्हें, अगर मुझे कुछ मानते हो तो देखो, शर्त ये है, तुम्हें नहीं पता होगा जिस बात का बेटा, जिस हुक की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। जो ये रॉबर्ट हुक है, जरा ध्यान सुनना, ये जो रॉबर्ट हुक है, ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने दी थी इलास्टिसिटी, जरा ध्यान सुनना, ठीक है। इन्होंने क्या दी थी? इलास्टिसिटी दी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्था, ठीक है। इन्होंने अपने लॉ में, इन्होंने अपने नियम में ये कहा था, जरा ध्यान सुनना, कि जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन के, ठीक है। प्रतिबल, ठीक है, डायरेक्टली प्रत्यास्था, ठीक है। आप किसी चीज को जितना तोड़ने की कोशिश करोगे उसमें उतना ही खिंचाव पैदा होगा, एक तरह से उन्होंने ये कहा था, ठीक है। अब ये वाली बात तो आप बोलोगे कि मैडम ये जो नियम है, ये जो लॉ है, ये तो हमें पता है। क्या आपको पता है कि 1665 में, 1665 में जिस इंसान ने, 1665 में, 1665 में जिस इंसान ने सेल की खोज की थी, सेल की क्या की थी बेटा? खोज की थी, सेल की डिस्कवरी की थी, ठीक है। खुद के, खुद के, जरा ध्यान सुनना बेटा, खुद के माइक्रोस्कोप से जिस इंसान ने सेल की डिस्कवरी की थी वो यही रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने प्रत्यास्था के बारे में बताया था। फिजिक्स में 11वीं क्लास में जिस रॉबर्ट हुक के बारे में आप पढ़ते हो भाई, जिन लोगों के पास में कॉमर्स था इस क्लास के अंदर, जिन लोगों के पास कॉमर्स था बेटा उनको तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जितने कहते मैं मास्टर ऑफ एनर्जी, ठीक हो, ठीक है, जितने लोगों ने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा है, इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा है, स्ट्रेस सिस्टम के बारे में पढ़ा है, ये वही रॉबर्ट हुक ने जिन्होंने फिजिक्स के अंदर इलास्टिसिटी दी और बायो के अंदर सेल की खोज की। सोचो उस टाइम के लोग जो थे बेटा वो कितने ज्ञानी हुआ करते थे, क्योंकि भाई साहब ना तो उस टाइम सोशल मीडिया हुआ करता था, ना उस टाइम मैन मटक का उस तरह का होता, हाँ प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, उतना ही समय देते थे, ऐसे नहीं कि बार बार फोन कर रहे हैं, बार बार कुछ कर रहे हैं। ना उस टाइम इंस्टाग्राम होता था, ना उस टाइम थ्रेड होता था, ना उस टाइम ट्विटर होता था, ना उस टाइम यूट्यूब होता था, ना उस टाइम फेसबुक होता था, ना उस टाइम जैपटॉप ब्लिंकिट होते थे, सामान खुद जाके ले आए, थोड़े फ्रेश भी हो गए, उस टाइम ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो बेटा आपको पता था क्या ये वही रॉबर्ट हुक है? रॉबर्ट हुक तो है पर वही है। आप मेरे शर्त के मुताबिक ठोक दो, ऐसा नहीं है ये किसी पेपर में आएगा। अब आपको क्या मैडम ये पेपर में आएगा जो बात आपने बताई? अरे जिस चीज को आप पढ़ रहे हो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई यही वो इंसान है जिन्होंने फिजिक्स में किया, और यही वो इंसान है। एंड सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया, सबसे बड़ा रीजन है सोशल मीडिया बेटा, ठीक है।
सॉरी बेटा, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ न्यूबॉर्न बेबी? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है, आपसे पूछे नवजात शिशु में कितनी हड्डी होती है, कितने बोन्स होते हैं? और अगर हम लोग बात करें बेटा लार्ज बोन की, अगर हम लोग करें लार्ज बोन की, अगर हम लोग करें बड़ी बड़ी हड्डी की, बड़ी बड़ी हड्डी की, ठीक है, लार्ज बोन की, बड़ी बड़ी हड्डियों की बात करें तो लगभग ये 105 से लेके 107 हड्डी होती है, और 206 हड्डी हमारी जो होती है वो होती है पूर्ण, ठीक है, टोटल हड्डी। और अगर किसी बच्चे के अंदर बात करें, किसी चाइल्ड के अंदर बात करें, तो बच्चे के अंदर जो हड्डियां होती है वो होती है 300+, 300+ हड्डियां होती है, ठीक है भाई। रेलवे के फॉर्म तो पता नहीं कब निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्योंकि अभी कुछ थोड़ी क्लियरिटी नहीं हो रही है, लेकिन शर्त के मुताबिक अब तुम लोगों को 100 लाइक करना है, फटाफट से शुरू हो जाओ बेटा, 100 लाइक हो जाने चाहिए। मुझे नहीं पता, फोन उठाओ दूसरे का और 100 लाइक करो फटाफट से, एक बंदे को कम से कम दो दो लाइक करने पड़ेंगे तब काम चलेगा, क्योंकि आप लोग सारे के सारे जो है बिल्कुल। तो 300 लिखेंगे बेटा, 300 प्लस होता है तो यहाँ पे बेस्ट आंसर है बेटा 300, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें कि हमारी बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे बड़ी हड्डी लार्ज जो होती है वो होती है फीमर। फीमर क्या होती है? फीमर होती है, ठीक है। और छोटी कौन सी होती है, स्मॉल कौन सी होती है? स्मॉल होती है स्टेपिस, ठीक है, स्मॉल होती है स्टेपिस, छोटी स्टेपिस होती है। फिर अगर बात करें स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, मजबूत कौन सी होती है, तो मजबूत जो होती है बेटा वो जबड़े की होती है, जॉ की होती है, ठीक है, जबड़े की होती है। क्लियर है? बोलो आगे ना। बोलो बच्चे, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। न्यूटन कहता मैं दोबारा लाइक कर देती हूँ, गलत बात, ये प्रॉमिस नहीं हुआ था बच्चों, यही तो बात है ना, हम जैसे किसी को प्रॉमिस कर देते हैं और प्रॉमिस निभाते नहीं है, इस तरह से ना हम लोगों की एक आदत बन जाती है, फिर वो एक ऐसी आदत हो जाती है कि हम किसी से भी प्रॉमिस नहीं निभाते। तो सबसे पहले अपने जो प्रॉमिस है वो निभाना सीखो, सबसे पहली बात। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट, बच्चों इसमें से कौन सा एक एलिमेंट है, कौन सा एक तत्व है? सबसे पहली बात तो ये बताइए, मैं जब सबसे पहले पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी पढ़ाना शुरू करती हूँ बेटा, ठीक है, जॉय लिखा है ना बेटा, जबड़ा ही लिखा है ना, कई बार बातों बातों में गलती भी हो जाती है, ठीक है। देखो बच्चों, और कौन सा जबड़ा ये मुझे क्लास के बाद में बताओगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? बच्चे जल्दी से बताइए, तत्व जो होता है, मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ाती हूँ ना तो हमेशा सबसे पहले ना एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाती हूँ, उसके बाद चीजों को शुरू करती हूँ, ठीक है। रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, इनमें से कौन सा एलिमेंट है, जल्दी से बताइएगा। सभी को पता है डायमंड एक एलिमेंट है, बाकी के सारे क्या है, स्टोन है, बाकी के सारे क्या है, पत्थर है, ठीक है। और बच्चों रंगीन पत्थर के अंदर, रंगीन जो पत्थर होता है, ठीक है, कलर्ड जो कलर्ड क्या कहते हैं स्टोन होता है, उसके अंदर ज्यादातर बेरिलियम पाया जाता है, क्या रंगीन पत्थर में क्या पाया जाता है, बेरिलियम, रंगीन पत्थर, जैसे जिनकी आप अंगूठियां पहनते हो ना, जिनकी जैसे किसी के ग्रह नक्षत्र खराब है तो आप अंगूठी पहनते हो, ठीक है। हाँ, लोको पायलट की तैयारी वाले तो करे करे। और डायमंड क्या है बेटा, डायमंड किससे बना है बेटा, डायमंड बना है कार्बन से। डायमंड हम लोग स्टोन के रूप में भी पहनते हैं, बट वो किससे बना है बेटा, वो बना है कार्बन से। और कार्बन क्या है बेटा, कार्बन एक अधातु है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछे भाई एलिमेंट क्या होता है, भाई क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा ना, एलिमेंट क्या होता है बेटा, एलिमेंट तो टोटल एलिमेंट, टोटल तत्व हमारे कितने बेटा, 118 तत्व है। अगर हम लोगों से पूछा जाए कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर, आज जो हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं उसमें हमारे टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल तत्व कितने हैं, तो कितने बताओगे? रूबी रिंग प्लांट से कनेक्ट होता है, एक्चुअल में मुझे नहीं पता, देखो जरा देखो, मेटल, जैसे
मेटल होता है, जो धातु होता है वो भी एलिमेंट के अंदर होता है। अगर कोई चीज धातु है, कोई चीज नॉन मेटल है, कोई चीज अधातु है बेटा, तो वो भी इसी के अंदर आएगी। और कोई चीज मेटलॉइड्स है, कोई चीज उपधातु है, तो वो भी इसी के अंदर आएगी। ठीक है बेटा, अब देखो जो मेटल होता है वो 92 होता है। कोई 90 बोलेगा, कोई 92 बोलेगा, गलत है बेटा। 93 जयंता देवनाथ, बेटा गलत है, गलत है, गलत है। जयंता देवनाथ 118 टोटल करके देखना कैसे आएगा, नहीं आ सकता। ठीक है, ये होता है बेटा 20 और ये होते हैं 7। उपधातु का मतलब होता है मेटल और नॉन मेटल मिला के दोनों, ठीक है, उसे हम लोग उपधातु बोलते हैं। तो टोटल कितने होते हैं बेटा, गलत है बेटा। अगर कोई 93 बोले तो भी गलत है, 92 होते हैं, 91 होते हैं। टोटल करके बताओ, टोटल करके बताओ कितना बैठा है, गलती कहाँ है, टोटल करके बताओ गलती कहाँ है, बताओ बेटा। ठीक है, गलती यहां है, इस ये 91 होते हैं। अगर कोई से 92 गए तो भी गलत है, 91 होते हैं। मेटल जो है टोटल 91 है, 93 कैसे हो गए बेटा। अगर कोई 90, अगर कोई भी इसको 92 या 93 बोले तो बेटा ये गलत है। 118 कैसे बिठाओगे, नॉन मेटल 18 कैसे हो गए बेटा। सबसे ज्यादा मिस्टेक जो पढ़ाने वाले लोग करते हैं वो इसी में करते हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबों में ये मिस्टेक है। और टीचर जो होता है, जो नया टीचर होता है, कोई भी नया टीचर होगा, वो किससे पढ़ाएगा, किताब से पढ़ाएगा। और जैसे वो किताब से पढ़ाएगा उसे ये तो पता नहीं है कि सही है गलत है, तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई। किस किस बच्चे को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, जिस भी बच्चे को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोग इसकी पीडीएफ जो है वो ले सकते हैं। कितने बच्चों को पीडीएफ चाहिए फटाफट से बताइएगा, कितने बच्चे को पीडीएफ चाहिए जैसे बताओ। कितने बच्चों को पीडीएफ चाहिए, कमेंट करो बता, मुझे पीडीएफ चाहिए, मुझे पीडीएफ चाहिए, ऐसे कमेंट करो, मुझे पीडीएफ चाहिए, ऐसे कमेंट करो। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो फिर मैं आप लोगों को एक लिंक देती हूँ, उससे ज्वाइन हो जाओ। बताओ किन लोगों को पीडीएफ चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, दुनिया का सबसे बड़ा फूल, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर। हाइड्रोजन गैस जो है वो भी एलिमेंट में आएगा ना बेटा। देखो किसने पूछा मुझसे, रामहंस ने पूछा बेटा नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल के अंदर गैस, गैस क्या है, गैस क्या है, नॉन मेटल ही तो है। आप हाइड्रोजन का इसलिए पूछ रहे हो ना कि मेंडलीव की टेबल में कंफर्म नहीं हो पाया था हाइड्रोजन की पोजीशन, क्योंकि हाइड्रोजन को गैसेस में भी लिया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन फैमिली से मिलता जुलता है थोड़ा बहुत। हाँ 91 27, 118 किस किस बच्चे को पीडीएफ चाहिए। अच्छा, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए मैं आप लोगों को एक लिंक दे रही हूँ। वैसे तो चैनल का नाम जो है, ठीक है, वो है साइंस बाय प्रिया मैम, है ना। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, साइंस बाय प्रिया मैम है। मैं आपको पीडीएफ खुद ही दे रही हूँ, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल, बेटा ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ठीक है। तो जिस जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो इस पिन कर दिया है मैंने टेलीग्राम चैनल, इस पे चला जाइए और यहाँ पे जाके पीडीएफ ले लीजिएगा। क्लास के तुरंत बाद आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लावर, लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट फ्लावर। इस क्लास के अंदर कितने बच्चों की गर्लफ्रेंड है, इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स की गर्लफ्रेंड है, सच्ची सच्ची ईमानदार से बताना, इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स की गर्लफ्रेंड है, इस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स की गर्लफ्रेंड है, फटाफट से कमेंट करके बताओ।
जितने स्टूडेंट्स की गर्लफ्रेंड है ना, एक काम करना, ये फूल दे देना रेफ्लेशिया वाला, ठीक है? जब वो मांगे ना कि तुम मेरे लिए क्या ला के दे सकते हो, तो तुम बोल देना रेफ्लेशिया का सब फूल लेके आ सकता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, ठीक है? उसे सूंघते ही वो बेहोश हो जाएगी, और जैसे ही उसे सूंघते ही वो बेहोश हो जाएगी, मेरा काम भी बन गया और तुम्हारे माँ बाप का भी बन गया। अबे आराम करो, पढ़ लो। माना कि ये उम्र है, माना ये आशिकी की उम्र है, माना कि सब करते हैं, माना कि इस तरह के हॉर्मोन्स भी तुम्हारे अंदर जो है वो कूद कूद के बोल रहे हैं सबकी है मेरी नहीं है, सबका है मेरा नहीं है। होगा होगा, पूरी जिंदगी के लिए होगा, झेल नहीं पाओगे, लेकिन समय, ठीक है? स्मेल वेरी बैड, बहुत गंदी सुगंध, बहुत गंदी सुगंध, ठीक है? और सबसे छोटा, ठीक है, वेरी स्मॉल, वो होता है वुल्फिया। वुल्फिया दुनिया का सबसे छोटा फूल होता है। अगर ये आपका हाथ है, ठीक है, तो इसपे इतना सा होगा, ये बस बस ये है आप लोगों का सबसे छोटा फ्लावर वुल्फिया, ठीक है? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर होता है, ठीक है? रेफ्लेशिया चालू है बेटा, अंकित तिवारी चालू है, बेटा ऐ बच्चे सुनेगा मेरी एक बात, अगर बेटा तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो तेरी गर्लफ्रेंड तेरे मुंह पे तो थूकेगी नहीं, पर तेरे पिछवाड़े पे लात मार के बोलेगी तेरे जैसे बहुत घूमते हैं, ठीक है? क्लियर है? सच्चाई और ये जीवन की, ठीक? विच एनिमल फाइट विद स्नेक, ठीक है? कौन सा जानवर जो है वो सांप के साथ लड़ता है? फिलहाल जैसे बरसात के मौसम में सांप बहुत ज्यादा निकलते हैं, आप सभी को पता है। नेवला ही एक ऐसा, ठीक है, मूनगूज, नेवला ही एक ऐसा जानवर है जो सांप के साथ लड़ता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये जो है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इश्क, ठीक है? बोलते, अरे यार मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे उससे इश्क हो गया। ये कुछ नहीं होता, दुनिया का बाप जो होता है ना, अगर तुमने नहीं कमाया तो तुमसे कोई कुछ तुम्हें नहीं देगा, तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। कितने बच्चे इसमें एग्री करते हैं? ये जो शब्द है ना प्यार व्यार, ये तब तक ही अच्छा लगता है जब तक पैसा होता है। हाँ, लोग साथ निभाने वाले होते हैं, लेकिन बेटा अगर पैसा नहीं होगा ना, तो लोग पिछवाड़े पे लात मार देंगे। पैसा नहीं होगा ना, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। इसलिए प्यार नहीं, इसे कमाने पे ध्यान लगाओ। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? अट्रैक्शन वेट्रैक्शन तो कुछ नहीं होता, सबका हार्मोन लोचा होता है। ऐसी बात नहीं है जिंदगी भर अकेले रहोगे, जिंदगी भर किसी के साथ भी रहोगे, लेकिन घर चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, अपने के बच्चों को पढ़ाने के लिए और अपनी जरूरतें, क्या जो साथ में आएगी उसकी जरूरतें पूरे करने के लिए पैसा चाहिए होगा। याद रखना बच्चे, वेयर इज द सेंटर ऑफ सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी लोकेटेड, बच्चों वो सेंटर कहाँ है जहाँ कोशिकीय और अवणिक विज्ञान केंद्र जो है स्थित है? फटाफट से बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है डी है, हैदराबाद में है, ठीक है? सेलुलर और मॉलिकुलर, ठीक है, जहां लैब है, ये कहाँ स्थित है? हैदराबाद। अच्छा अंकित, जो उसकी क्लासेस है वो भी नहीं चल रही क्या बेटा? जो उसके अंदर क्लासेस है वो भी नहीं चल रही क्या? विच ऑर्गन इज कॉमनली इफेक्टेड बाय एफ्लाटॉक्सिन फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खगान जो विष है वो सामान्यता किस अंग को प्रभावित करता है? तो बच्चों अगर आप किसी प्रकार का जहर जो खाते हो तो वो हमेशा किस ऑर्गन को प्रभावित करेगा, चाहे वो ये वाला जहर हो या कोई और जहर हो या कोई और पॉइजन हो। तो पॉइजन हमेशा जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है, या आप कोई दवाई भी लोगे तो वो भी डायरेक्ट इफेक्ट आपको किसको करेगी बेटा? आपके लीवर को करती है। तो ये डायरेक्ट इफेक्ट आपके लीवर को करेगा, यकृत को करेगा।
ठीक है, लीवर, अगर कोई इंसान जहर खा ले, ठीक है, अगर कोई इंसान जहर खा ले तो क्या होगा? क्या जेल नहीं पा रहे हो करण? ठीक है बेटा, अगर कोई इंसान जहर खा ले तो उसका जो लीवर है, जब वो चेक होता है तो उसके अंदर हिपैटिक सेल चेक होती है, हिपैटिक सेल सॉरी, इसके अंदर होती है कूफर सेल, कूफर सेल, कूफर कोशिका। तो कूफर कोशिका जो होती है, जब किसी का पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो ये चेक होती है, ठीक है। और कूफर सेल जो होती है ना, वो एंटी पॉइजनिंग होती है, एंटी पॉइजनिंग। अगर किसी ने जहर खा लिया तो उसको मरने से कूफर सेल ही बचाती है। कूफर सेल जो होती है, ऐसे कुछ चीजें पैदा करती है जिसकी वजह से जहर का असर आपके ऊपर ना हो, ठीक है। मैम मेरे तो जॉब भी है, मैम सुबह का टाइम बताओ प्लीज, मैम जॉब भी है। अच्छा सुबह की क्लास, हाँ सुबह की क्लासेस तो चल, सुबह की भी चलेगी, रात की तो है जो, वो तो चलेगी चलेगी, ठीक है। आपने मेरे ना कहे मुताबिक जो है सेशन को लाइक नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, इन विच डू वी स्टडी मसल्स, किसमें मांसपेशियों का अध्ययन होता है, जो मांसपेशियों का अध्ययन होता है, जो मसल्स की स्टडी होती है वो किसमें होती है, फटाफट से बताइएगा। मांसपेशी किसमें, मांसपेशियों का अध्ययन जो होता है, मसल्स की जो स्टडी होती है, बता बेटा। माइकोलॉजी मायोलॉजी किसमें होती है, फटाफट से बताओ। माइकोलॉजी मायोलॉजी किसमें होती है, फटाफट से बताओ। मांसपेशियों का अध्ययन, फटाफट से बताओ। मैम बैच 9 नहीं चल रहा, बच्चों बैच 9 में जो क्लासेस हुई अंकित, क्या जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस क्लासेस हुई है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हुई है, वो भी चल रही है? फटाफट से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। इसका जो राइट आंसर है वो है मायोलॉजी, ठीक है, मायोलॉजी, मायोलॉजी, ठीक है। और माइकोलॉजी बेटा, ये फंगस की स्टडी होती है, कवक का अध्ययन होता है, और ये होती है बेटा मसल्स की। मांसपेशी, कहती बात समझ में आई, बोलो आके ना। रवि सिंह कौन से बैच में हो बेटा आप, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज कॉजिंग डैमेज टू ताजमहल। बच्चों ताजमहल को जो डैमेज कर रहा है, क्या चीज जो है वो ताजमहल को क्षति पहुंचा रही है, तो ताजमहल को जो क्षति पहुंचा रही है वो पहुंचा रही है एसिड रेन, अम्ल वर्षा, ठीक है। जो अम्ल वर्षा, बरसात के अंदर जो अम्ल बरसता है, अम्ल वर्षा जो होती है बेटा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एसिड रेन। अम्ल के साथ क्या होते हैं, जो वर्षा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो इसमें ना तीन तरह के एसिड होते हैं, तीन एसिड जो होते हैं वो निकलते हैं, तीन अम्ल जो होते हैं वो निकलते हैं, ठीक है। इसका पूरा का पूरा कम से कम एक मैं 20 मिनट का क्लास लेती हूँ पेड बैच के अंदर, उसमें प्रॉपर ताजमहल वाजमहल बना के पूरा प्रॉपर पढ़ाया जाता है, ठीक है। मिक्स है मेरे बच्चे अंकित, बताइए बच्चों। मनु बेटा मुझे आपकी बात समझ में आ रही, मैम ये ऑल स्टडी करा दो, सारा सारा पढ़ा दो, एक ही दिन में पढ़ा दो सारा, ऐसे थोड़ा ना होगा, एकदम से बड़े थोड़े ना हो गए हो, ठीक है। आ जाओ, तीन एसिड होते हैं, एक तो होता है बच्चे H2SO4, एक तो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, एक होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, और एक होता है कार्बोनिक एसिड। ये तीन एसिड होते हैं तो बच्चों, और दूसरी बात है वहां मथुरा की रिफाइनरी फैक्ट्री भी है, तो एक तो एयर पॉल्यूटेंट से, जैसे पॉल्यूशन होगा बेटा वैसे ही अम्ल वर्षा होगी। अम्ल वर्षा कब होती है, अम्ल वर्षा होती है पॉल्यूशन की वजह से, किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, ठीक है, प्रदूषण की वजह से ऐसा होता है, किसकी वजह से, प्रदूषण की वजह से ऐसा होता है। इसका राइट आंसर होगा सी, एक तो मथुरा की फैक्ट्री है वहां पे, ठीक है, मथुरा की तेल शोधशाला है, फैक्ट्री है, और साथ में वहां पे एयर पोल्यूशन भी होता है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सारे बच्चे कमेंट करके बताओ, एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को शेयर करो, 100 लाइक करो भाई, अगले क्वेश्चन पे 100 लाइक हो जाए, जो वादा हुआ था,
इस क्लास का टाइम रात के 10 बजे कर दूं क्या? बताओ, वैसे भी आजकल बच्चों को रात को जागने की बीमारी हो गई है, इस क्लास को रात को 10 बजे कर दो क्या? ऑन द बाइट ऑफ एन आंट और ए बी द फॉलोइंग लिक्विड इज फाउंड इन इट्स स्टिंग। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो बच्चों, जो चींटी का डंक होता है ना, चींटी का डंक, ठीक है, रेड आंट जैसे हो गया, रेड आंट स्टिंग, तो इसके अंदर ना एक एसिड पाया जाता है, एक अम्ल पाया जाता है। इस अम्ल के दो नाम है बेटा, इस अम्ल के, इस एसिड के दो नाम होते हैं, ठीक है। कितने बच्चे कहते हैं जैसे बोलो रात के 9 बजे, नहीं बोलो 9 बजे रात, ये वाली क्लास रात के 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे वाले 9 बजे लिखे, और जो रात के 10 बजे चाहते हैं वो 10 बजे लिखे, लिखे फटाफट से, 9 बजे वाले 9 बजे लिखे, 10 बजे वाले 10 बजे लिखे, फटाफट से लिखे। मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक अम्ल, ठीक है, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है, मिथेनोइक एसिड या फिर फॉर्मिक अम्ल, ये जो होते हैं बेटा, ये वो एसिड होते हैं जो किसी भी चींटी के डंक के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नहीं, 9 बजे वाले 9 बजे लिखो, रात का बैच मत लिखो, रात के 9 बजे या 10 बजे, ये वाली क्लास रात के 9 बजे ही चलाए या 10 बजे चलाए? जैसे बताइएगा, वेयर डज फिश ब्रीथ, मछली जो होती है, मत्स्य, पीसेस जिसमें आते हैं, पीसेस बोलते हैं, मत्स्य किससे लेती है बेटा? आप सभी को पता है, गिल से लेती है, आप सभी को पता है, गलफड़ों से लेती है। किससे सांस लेती है बेटा? ये सांस लेती है गिल से। किससे सांस लेती है बेटा? गलफड़ों से सांस लेती है। किससे सांस लेती है? गलफड़ों से सांस लेती है। बहुत बढ़िया बेटा, अगला क्वेश्चन है बेटा, बाय विच मेथड हैज द गोल्डन राइस विच केम इन द लाइम लाइट रिसेंटली बीन डेवलप्ड, ठीक है बच्चों, हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित होते हैं? जो आप लोगों के जो अभी चावल जो है, जो अभी उसमें आए हैं, क्या कहते हैं, एक तरह से फेमस हुए हैं कि भाई अगर किसी को अपने अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा करना है तो वो स्वर्ण चावल खाए। तो ये जो स्वर्ण चावल है बेटा, ठीक है बच्चों, किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो लिंक है, साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वैसे रात के 10 बजे का क्लास ज्यादा सही रहेगा, उसके बारे में विचार करेंगे, पर पहले कल सबसे पहले आप लोगों की जो है अनाउंस होगी वो क्लास, जीके जीएस की क्लास का टाइमिंग और सब कुछ, ठीक है, अनाउंस होगा, ठीक है। बाय ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, परजीनिक टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक, और ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी क्या होती है, एक तरह से बायोटेक होता है, बायोटेक्नोलॉजी होती है, ठीक है बच्चों। जो आपका स्वर्ण चावल है, स्वर्ण चावल है, गोल्डन राइस है, जो नॉर्मल चावल होता है उसी को बायोटेक्नोलॉजी से हम लोग, या फिर ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी, ट्रांसजेनिक का मतलब उसके जीन्स को चेंज करना, ठीक है, चावल के जो जेनेटिक जीन्स होते हैं उसको बदलना, ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, रियोम तीन साइंस का रिविजन एक साथ ही कर रहा, तीन साइंस नहीं होती, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होती है, ठीक है मेरे बेटा। अरे बालक, तो इसके अंदर क्या होता है, विटामिन ए सबसे ज्यादा होता है, मोर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द क्राउन ऑफ टूथ मेड, ठीक है, दांत का शिखर बेटा, ये जो है ना, ये वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है इसे हम लोग क्राउन बोलते हैं, इसे हम लोग शिखर बोलते हैं। तो ये जो दांत का शिखर होता है ये एनिमल से बना होता है, डेंटिन से बना होता है क्योंकि बच्चे एनिमल और डेंटिन में ही कंफ्यूज होते हैं, तो बच्चे ये बना होता है एनिमल से, ठीक है, ये बना होता है किससे बेटा, एनिमल से बना होता है। जो ऊपर का क्राउन दिखता है ना, जो जैसे आप देखोगे दांत पे जो ऊपर की चमक दिखेगी, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसे हम लोग बोलते हैं एनिमल, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमल, ठीक है। फिर जो, फिर ये होगी, फिर ये होगी डेंटिन, और ये जो इसके अंदर लाल रंग का भरा होगा, ठीक है, ये होगा पल्प, जो सीधा का सीधा, जो सीधा का सीधा जुड़ा रहता है किससे, तंत्रिका तंत्र से, पल्प ये किससे जुड़ा रहता है, तंत्रिका तंत्र से, ये किससे जुड़ा रहता है बेटा,
नर्वस सिस्टम से जुड़ा रहता है मेरे बच्चे, किससे जुड़ा रहता है, नर्वस सिस्टम से, ठीक है। और भाई ये कार्टिलेज और चिटिन जो है इसे भी देख लो, कार्टिलेज और चिटिन क्या होता है इसको भी देख लो, ठीक है। चिटिन जो होती है बेटा, ये जो परत होती है ये बैक्टीरिया जीवाणु जीवाणु की कोशिका भित्ति जो होती है बेटा, वो किसकी बनी होती है, चिटिन की बनी होती है, इसको हम लोग काइटिन बोल देते हैं। एक सेकेंड, चिटिन बैक्टीरिया की गलत लिख दी बेटा, फंगस की होती है उसकी, तो पेक्टिन होती है, फंगस की होती है, कवक की होती है। कार्टिलेज क्या होता है, कार्टिलेज अपना बोन और प्लस मसल्स मांसपेशी, ठीक है, हड्डी और मांसपेशियों को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, कार्टिलेज बोल देंगे। बताओ अस्थि उपास्थि बोलते ना, बेटा बेस्ट नाइन का कोई अच्छा प्रीवियस क्लासेस चल रहा है उसके आगे कंटिन्यू होनी है। अजय यादव मेन ब्रांच दिल्ली से चलती है मेरे बेटा, ठीक है। चल बच्चे अब अगला क्वेश्चन, अगला क्या होता है, चिटिन जो होती है बेटा किसकी, जो परत होती है ऊपर, जो सेल कोशिका भित्ति होती है जो ऊपर कवर होता है वो किसका बना होता है, चिटिन का। टिश्यू भी करा देते हैं। कॉलीफ्लावर वाइटल डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द एलिमेंट, फूल गोभी का विटल रोग, फूल गोभी के अंदर जो रोग होते हैं बेटा, यानी जो फूल गोभी के अंदर कीड़े हो जाते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, किसकी कमी की वजह से होते हैं, तो एमओ मॉलिबीडियम की वजह से, मॉलिबीडियम की वजह से, किसकी वजह से होता है, मॉलिबीडियम की वजह से होता है। तो इस पे तो कोई डिस्कशन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। बाकी के चार ऑप्शन तो हम लोग हमेशा डिस्कशन करवाते हैं, तब भी कमी होती है। हाँ एक चीज और बता देते हैं, अगर आपसे कोई पूछे जिंक, तो याद रखना कि जो आपका इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है, अगर जिंक की कमी होगी तो इंसुलिन हार्मोन पे पूरा पूरा इफेक्ट पड़ेगा। और मैग्नीशियम जो होगा, मैग्नीशियम जो होगा वो किस में पाया जाता है बेटा, वो पत्ती में पाया जाता है, ठीक है, लीव्स में पाया जाता है। मैग्नीशियम किसके अंदर पाया जाता है बेटा, मैग्नीशियम पाया जाता है लीव्स के अंदर। और फटाफट से 100 लाइक कर दो जल्दी से। मनु अगर देख बेटा एक बात, मेरी बात सुनियो, तुझे पढ़ना है पढ़, नहीं पढ़ना है मत पढ़, बार बार कमेंट मत कर, प्लेलिस्ट ऑलरेडी पड़ी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। अगर यार एक चीज बताओ, मेरी बात सुनना, अगर किसी लड़की से तुम्हें प्यार हुआ ना, कोई लड़की पसंद आ गई, आराम करो, फेसबुक की प्रोफाइल तक खोल खोल के, एक फोटो खोल खोल के, उसका एड्रेस, उसका पता नहीं फलाना निकाल लोगे, तुम्हें यूट्यूब में प्लेलिस्ट नहीं दिखाई दे रही, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यूट्यूब पे जाओगे तो तुम्हें प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, प्लेलिस्ट नहीं दिखाई दे रही ना यूट्यूब, ठीक है। विच फंगस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लेट ब्लाइट डिसीज इन पोटैटो, आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी। जो बच्चों आलू के अंदर जो भी आप लोगों को बीमारी होती, मतलब आप लोगों को नहीं, आलू के अंदर जो भी बीमारियां होती है वो किसकी वजह से होती है, आलू के अंदर क्या होती है, आलू जब आप काटोगे तो उसके अंदर वो नीला नीला सा मिलेगा, खराब मिलेगा, तो वो किसकी वजह से होता है, फटाफट से बताइएगा, जल्द से बताओ बेटा। इसका जो राइट आंसर है वो है फाइटोथेरिया इन्फेस्टेंस, ठीक है, फाइटोथेरिया इन्फेस्टेंस, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एक ये फंगल वाली बीमारी होती है, कौन सा वाला फंगस होता है, इस फंगस की वजह से, इस कवक की वजह से क्या होता है, आपका जो आलू होता है वो खराब हो जाता है, या आलू के अंदर बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो ये फंगस है, तो आलू के अंदर फंगस से ये बीमारी होती है। राम राम भाई, ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। अगला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज ऑब्टेन टू सीडलेस फ्रूट, बेटा ये देखो यहाँ पे क्या है, बीज रहित फल प्राप्त, बेटा बीज रहित जो फल प्राप्त होते हैं आपको, यहाँ पे देखो चारों ऑप्शन जो है ये ऊपर नीचे हो रखे हैं, मतलब देखो ऑप्शन ऊपर नीचे का मतलब ऑप्शन ही गलत हो रखे हैं। देखो बीज रहित फल की यहाँ पे बात की जाती है, चलो इस क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ, ऑप्शन तो गलत है बच्चों। बीज रहित फ्रूट, सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट कैसे होता है, जैसे बनाना,
ठीक है, केला, केला जो है बेटा, कभी केले के अंदर देखा बीज देखा, कभी केले के अंदर नहीं। केला एक ऐसा फल है जिसके अंदर बीज नहीं होता, और इसी वजह से केले को हम लोग फाल्स फ्रूट कहते हैं। इसके चार ऑप्शन नहीं है तो क्या हुआ, ऐसा समझा तो दूं मैं। फाल्स फ्रूट कहते हैं, झूठा फल कहते हैं, जिसके अंदर बीज नहीं होते उसके अंदर झूठा फल, झूठा फल कहते हैं। अच्छा, इसके अंदर बीज क्यों नहीं होते? जो पोलन ग्रेन होते हैं, पोलन ग्रेन, जैसे बेटा मेल के अंदर जो होता है स्पर्म होता है, इसी तरह से पौधों के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं, इसको बोलते हैं पुष्पागण। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा इसको? बोलते हैं पुष्पागण। ये पुष्पागण ओवरी में ना जाके, अंडाणु में ना जाके, कहीं और जाके रिप्रोडक्शन प्रजनन कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक ऐसा फल तैयार होता है जिसके अंदर बीज नहीं होता। तो इसमें जब भी झूठा फल होगा तो याद रखना कि ओवरी अंडाणु के अंदर क्या नहीं हुआ है, अंडाणु के अंदर एक तरह से प्रजनन रिप्रोडक्शन नहीं हुआ है, तभी एक ऐसा फल तैयार होता है जिसके अंदर बीज नहीं होते। बीज रहित फल, जिन बच्चों, जिन फलों के अंदर बीज नहीं होंगे, याद रखना कि उनका जो प्रजनन है, जो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, वो नहीं होगा। कितने बच्चों ने अभी बीपीएससी वाला जो बीपीएससी का जो ये अभी फॉर्म है टीचिंग वाला, जिसके अंदर साइंस बहुत ज्यादा आ रही है, कितने बच्चों ने फिल किया हुआ है? और एक तुम्हारी कांस्टेबल में भी आ रही है, सब इंस्पेक्टर में भी आ रही है। बेटा मेरी ऑनलाइन ही क्लास है, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है। व्हाट इज इंडस्ट्रियली मैन्युफैक्चर बाय स्लेव प्रोसेस? ठीक है, स्लेव प्रोग्राम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है? फटाफट से बताइएगा, जैसे बताइएगा। बताइए, सोडियम कार्बोनेट का किसका किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का स्लेव प्रोसेस द्वारा उसको बनाया जाता है। ठीक है, जैसे H2SO4 को किससे बनाया जाता है? जल्दी से बताओ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज जीन? जीन क्या है? पहली बात तो जीन नाम किसने दिया था ये बताओ। जीन नाम किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। जीन क्या है? पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, पार्ट ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र का पार्ट होता है, डीएनए का होता है, आरएनए का होता है, किसका होता है? जीन किसका हिस्सा है बताइए। अब सभी बच्चे यहाँ पे आंसर देंगे डीएनए का हिस्सा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जीन किसका हिस्सा होता है बेटा? जीन डीएनए का हिस्सा होता है। ठीक है, डीएनए का पार्ट। ठीक है, और क्रोमोसोम के अंदर कौन आता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर आता है डीएनए प्लस का हिस्टोन प्रोटीन। इस प्रोटीन के बारे में नाम पूछा जाता है बेटा, डीएनए के साथ कौन सा प्रोटीन होता है जो क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। और फिर डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है? आपकी जीन पाई जाती है बेटा, इसको ऐसे याद रखना। नहीं, राजस्थानी कहूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, बोलो बच्चे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अगले क्वेश्चन में क्या कहता है? व्हाट इज द मेन यूज ऑफ स्वेट? पसीने का मुख्य कारण क्या है? आप लोगों को पसीना क्यों आता है जल्दी से बताइएगा। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, वाटर बैलेंस करने के लिए, टॉक्सिन निकालने के लिए, या पोर क्लोगिंग के लिए, त्वचा के छिद्र में गंदगी दूर रखने के लिए किया जाता है? फटाफट से बताइएगा 21 का आंसर क्या है, फटाफट से बताओ। देखो बेटा, आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेटा, वाटर को बैलेंस करने के लिए पसीने का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो टॉयलेट भी हो सकता है। ठीक है, और वैसे भी एक्सेस ऑफ वाटर, अगर आपके मतलब आपके शरीर से अगर ज्यादा से ज्यादा पानी बाहर निकल रहा है तो आपको हो रहा है डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। तो बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, और बच्चों स्वेटिंग ग्लैंड होती है, स्वेटिंग ग्लैंड होती है, ठीक है, पसीने वाली ग्रंथि होती है जो ये काम करती है, पसीने वाली ग्रंथि, पसीने वाली ग्रंथि जो ये काम करती है, और ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, ये भी याद रखना, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एक बाही स्त्रावी ग्रंथि होती है। ठीक है, कौन सी बेटा? आप लोगों की स्वेट। ठीक, दिल्ली में कोचिंग चलाने की जरूरत नहीं है,
दिल्ली की कोई मेरी ऑफलाइन कोचिंग अभी नहीं चल रही है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हॉर्न सिल्वर? हॉर्न सिल्वर क्या होता है? AgCl, AgBr, AgNO3, AgL। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा बेटा, AgCl को हम लोग हॉर्न सिल्वर कहते हैं। बेटा AgBr जो होता है वो मिरर में इस्तेमाल होता है, AgNO3 जो होता है वो वॉटर इंक में इस्तेमाल होता है, ठीक है, और AgI जो इस्तेमाल होता है बेटा वो होता है आर्टिफिशियल रेनिंग में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिल्वर का रिएक्शन किस, ये क्या हो गया, जब सिल्वर का रिएक्शन किसके साथ होता है, जब क्या होती है, सिल्वर का रिएक्शन कृत्रिम वर्षा होते हैं, ठीक है, और ये बेटा फोटोक्रोमेटिक ग्लास में इस्तेमाल होता है, फोटोक्रोमेटिक ग्लास। तो हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? AgCl को हॉर्न सिल्वर कहते हैं। जितने बच्चे इस साल SSC का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, SSC का एग्जाम, और जितने बच्चे अभी बिहार का एग्जाम दे रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें, वो बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करें। हाँ सौरभ सिंह बेटा, चलिए बच्चों तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, जल्दी मिले। देखो बेटा इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, सबसे पहले तो ये जान लो, इस क्लास की PDF मिलेगी साइंस बाय प्रिया मैम टेलीग्राम चैनल पे, जो ऑलरेडी जो है कमेंट में पिन है, ठीक है। और बच्चों आप लोग जो है ये batch 9 ले सकते हैं, अगर किसी को भी पूरा साइंस का बैच पढ़ना है तो आप लोग batch 9 में जरूर एनरोल हो जाए, क्योंकि पूरा जो कंप्लीट साइंस है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा batch 9 में, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने YouTube पे करो जो कि बिल्कुल फ्री है। किसी बच्चे को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, पेड क्लास बिल्कुल ऐसे दिखेगा साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन, पेड कोर्स लेना है पेड कोर्स ले लो, फ्री क्लासेस मिल जाएगी, और यहाँ पे साइंस के हैंड रिटन फ्री नोट्स जो है वो इस जगह मिलेंगे आप। और किसी भी बच्चे को टेस्ट सीरीज अगर लेनी है तो यहाँ से वो टेस्ट सीरीज भी खरीद सकता है, और किसी बच्चे को करंट अफेयर देखनी है तो यहाँ से करंट अफेयर भी देख सकता है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है, गूगल प्ले स्टोर से साइंस बाय प्रिया मैम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। अब इस क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है, तुम लोगों ने सेशन को जो है वो लाइक नहीं किया, ठीक है, तो सेशन को लाइक कर दो जाने से पहले। अभी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो उसे पूछ सकता है। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है बेटा, कमेंट करके फटाफट से कमेंट करके बताओ जल्दी से। चलो बच्चों बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी।